मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ आमिर सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सलीम मलिक साहब ने आके कुछ रेवोल्यूशन दिए अताउर रमनान ने आके कुछ चीज़ों का इजहार किया नाइन्टी सिक्स के वर्ल्ड कप के बाद मैं वर्ल्ड कप के बाद जो है इस्लामाबाद में था पाकिस्तान में जिम्बावे आई वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि आमिर तुम लोगों का काम है क्रिकेट खेलना सिद्धूपाची जो है वो नाइन्टीज़ के करीब नाइन्टीज़ में थे और और वो बैटिंग कर रहे थे तो मेरे पास आए और मुझे आगे ना बड़े गुस्से से कहते हैं कि जरा फास्ट बॉलर है इन्होंने समझाओ सीओ आगे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था तीस मैचों में हज़ार रन करके आपको रिकग्नाइजेशन मिलनी चाहिए थी नहीं मिली बसमर रहीम और मैं आपको ख़ुश आमदीद कहता हूँ आमिर सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने अपनी आरा का इजहार किया और बहुत ही क़ार्मद और मुफीद मशवरे दिए और बिल्कुल मैं उनको इनकॉपरेट करूँगा और जिस तरह आपने कहा है कि मुझे प्रोग्राम्स करने चाहिए वो मैं करूँगा कुछ लोगों का ख्याल था कि मैं स्टार्ट करूँ इंडिया पाकिस्तान मैचेस की मेमरीज से कुछ कह रहे थे कि मैं अपने स्टार्ट जहाँ से आ, क्रिकेट का किया वहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ लोगों का ख्याल था कि जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ लोग कह रहे थे कि मैं प्लेस के माइंडसेट और टेक्निक इम्प्रूव करने के बारे में बातें करूँ तो मैंने आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो गौर की हैं लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें आ रही थी वो मैच फिक्सिंग के हवाले से आ रही थी और आ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रिसेंट एपिसोड हुआ है जिसमें सलीम मलिक साहब ने आके कुछ रेवोल्यूशनस दिए हैं तो रहमान ने आके कुछ चीज़ों का इजहार किया है और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं और सुनी हैं वो ये है कि मैंने जो है वो जस्टिस क्यूम को कोई एविडेंस नहीं दी उसके बाद मैं जो है वह बैकआउट कर गया फिर कुछ और चीज़ें आ रही हैं कि मैंने जो है वो जो है सही तरीके से मैच फिक्सिंग में जो है ये सारे एपिसोड में वो सही तरह जो है वो वो कंट्रीब्यूट नहीं किया स्टार्ट करने के बाद तो आई थिंक ये लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मैंने मैच फिक्सिंग में क्या किया और बाकियों का क्या रोल था तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे 96 सिक्स से स्टार्ट लेना आफ्टर द वर्ल्ड कप और सर्कल में आके नाइन्टी में ही वर्ल्ड कप नाइन्टी uh, सिक्स uh, का वर्ल्ड कप है वहाँ पे मैं एंड करूँगा उसमें अपना करियर भी आएगा आ, बाकी मेमोरीज भी आएंगी कुछ आ, जो है मज़ेदार बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा uh, तो मैं स्टार्ट करता हूँ नाइन्टी सिक्स के वर्ल्ड कप के बाद uh, मुझे याद है कि मैं वर्ल्ड कप के बाद जो है इस्लामाबाद में था आ, तो मुझे क्रिकेट बोर्ड से कॉल आई कि चीफ़ एग्जीक्यूव साहब जो आरिफ अली खान अबासी है बड़े ही आ, वेल रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं क्रिकेट के और भी काफ़ी शोबों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया बड़े वेल रिस्पेक्टेड हैं आईसीसी में आज भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है तो उन्होंने उन्होंने मुझे बुलाया कराची तो मैं कराची गया तो उन्होंने मुझे जैसी मैं कमरे में दाखिल हुआ सलाम दुआ के बाद मुझे कहते हैं कप्तानी करोगे तो मैंने कहा जी वो वो तो आपसे डिस्कस कर लेते हैं लेकिन ये जो सारा एपिसोड चल रहा है ना लोगों का बोलो कह रहे हैं मैच फिक्सिंग और ये वो इसका हम लोगों ने क्या करना है तो उन्होंने मुझे आ, बड़े ऑथेंटिकली ये कहा कि आमिर तुम लोगों का काम है क्रिकेट खेलना हम लोग इसको डील करेंगे और हम लोग इसको क्वाइटली डील करेंगे और आयरन हैंड के साथ मीट करेंगे आप जाके चुप करके क्रिकेट खेलो सो so, आ वेंट ऑन द टूर एज अ कैप्टन फुलज फुल फ्लैजड कैप्टन सिंगापुर टूर्नामेंट था वहाँ पर गए वहाँ पर ट्राइंगर सीरीज़ थी उसके बाद मुझे अपॉइंट किया गया था शारजा के लिए uh, तो वहाँ पर गए एक टोनामेंट हम लोग हम लोगों ने जीता uh, दूसरे टोर्नामेंट में हम लोग अनफॉर्चुनेटली uh, फ़ाइनल में आ नहीं सके हालाँकि अच्छी परफॉर्मेंसेस थी अनफॉर्चुनेट uh, था कि हम फाइनल में नहीं पहुँचे और मज़ा आता अगर इंडिया से एक दफ़ा फिर फाइनल होता एनी वेज़ वॉजन टू बी मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आई हैव एन आइडेटिक मेमोरी लेकिन मेरी मेमोरी मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी डिसेंट है और मैं कोशिश करूँगा आपके साथ जो जो भी शेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ मैं उसको शेयर करूँ खैर जब हम लोग वापस आए शारजा से तो सरप्राइजिंगली बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक बंदा आरिफ अली ख़ान अबासी आ, पाकिस्तान को जो है वो एस सी में रजिस्टर करा रहा है और उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट को जो बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है पहली दफ़ा पाकिस्तान को पाकिस्तान में वर्ल्ड कप भी लेके आए और उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप थी उसका अंबार लगा और वो पाकिस्तान क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे थे और और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी करने का उनका जो था वो बिल्कुल वो एडमन थे कि मैं ये चीज़ें करूँगा और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाऊंगा उनको चेंज कर दिया गया माजिद माजिद खान साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया और जैसे ही वो आए तो मैंने तो अपने आप को ये कहा कि आमिर सोहेल तू तो बिस्तर अपना जरा बिस्तर बोरिया गोल कर क्योंकि माजिद खान एंड माजिद खान साहब एंड आई हिस्ट्री और थोड़ा सा वो काम जो है वो काफ़ी ख़राब था तो जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव आए मैंने अपने आप आपको तो ये कहा तू तो अपना बिस्तर बोरिया गोल कर खैर हम लोग आ, पहले टूर के ऊपर गए उनकी सी शिप में इंग्लैंड के टूर पे। तो उस टूर के ऊपर सबसे पहली कैजुअलिटी जो थी वो थी आकिब जावेद आकिब जावेद को उस टूर से ड्रॉप कर दिया गया हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं थी आईब्रोज़ भी रेज हुए आ, बातें भी कही गई लेकिन टोर स्टार्ट हुआ टोर के ऊपर गए हम लोग आ, अच्छा स्टार्ट हुआ हम लोग टेस्ट मैच जीते आ, उसके दौरान मैंने अपना मेरा स्केवट फ्रैक्चर जो हो गया और मैं आ, मेरा हाथ जो है वो कास्ट में था आ, और उस टोर के दौरान काफ़ी दफ़ा यू नो मैं अभी आ, मेरी इंजरी हील हो रही थी और ये स्केव जो फ्रैक्चर है सबसे नाजुक बोन है आपके जिसम में तो हील हो रहा था और बार बार हफ्ते के बाद बार बार मुझे टीम मैनेजमेंट बुला के पूछ लेती थी, थी कि भाई आप कब तक ठीक हो गए आप आप अगर देर लगनी है तो हम आपको वापस भेज देते हैं तो आपकी रिप्लेसमेंट बुला लेते हैं तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ आप डॉक्टर से पूछें कि कितना टाइम लगेगा और जो भी बताएगा उसके बाद जब मेरा प्लास्टर खुलेगा उसके बाद मैं देख लूँगा अगर आप नहीं चाहते कि मैं टीम के साथ ट्रैवल करूँ तो मैं अपना बंदोबस्त कर लेता हूँ Uh, हालांकि इंजरीज़ के दौरान प्ले टीम्स के साथ रहे हुए हैं और सारा कुछ है लेकिन बार बार मुझे पूछा जाता तो फाइनली मैंने उन्हें कहा कि ये जब कास्ट उतारी जाएगी उसके बाद मैं फैसला करूँगा फॉर्चुनेटली जब कास्ट उतारी गई ऑल दो हंड्रेड परसेंट फिट नहीं था लेकिन इतना इतना ये हील हो चुका था कि मैं दोबारा से क्रिकेट खेलनी शुरू करूं मैं आई रिमेंबर ओवल टेस्ट मैच खेला उसमें मैंने आई थिंक 46 सिक्स किए सेकेंड इनिंग्स में 29 नॉट आउट किया वनडे सीरीज भी ठीक गुजर गई उसके बाद हम सहारा कप में गए वहाँ पे आ, मियाँ मुनीर साहब को मैनेजर बना के भेजा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने वहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे ये मैच फिक्सिंग के बारे में और बाकी चीज़ें टीम का माहौल कैसा है तो काफ़ी थोड़ा डिस्कशन उनके साथ हुई तो उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं तो मैं जाके ये सी साहब और क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखूँगा खैर उस टोर के बाद फ़ाइनल में सहारा कप के फाइनल में मुझे एक दोबारा से हेमस्ट्रिंग की इंजरी हुई तो मुझे कैनिया टूर को पुल आउट कर सिर्फ पुल आउट करना पड़ा अब पुल आउट किया उसके बाद पाकिस्तान में जिम्बावे आई वहाँ से मैंने स्टार्ट किया जिम्बावे के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया उसके बाद मेरा ख़्याल है शारजा में एक टूर्नामेंट था और शारजहा में आ, जो टूर्नामेंट हुआ उसमें मैंने आ, एक कैलेंडर ईयर में हज़ार रन किए मेरा ख़्याल है आपको नहीं पता होगा मैं आपको बताता हूं कि मैं पहला पाकिस्तानी बैट्समैन बना जिसने ओडीआई में दूसरी दफ़ा एक कैलेंडर ईयर में हज़ार रन्स किए पहली दफ़ा मैंने उन्नीस में किए 28 मैचों में हज़ार रन्स किए और 96 में मुश्किल हालात में जब सी ओ आगे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था आ, मैं मरते मराते जो है 30 मैचों में हज़ार रनस कर कर गया अब हज़ार रन्स करके आपको रिकगनाइेशन मिलनी चाहिए थी नहीं मिली ठीक है वहाँ से मैं वापस आया शारजा से तो मुझे न्यूजीलैंड सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया अब मेरे लिए वो हैरान कन बात थी कि रादर देन वेलराइजिंग इट कि एक बंदे ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट की है उसको हम ऑनर कह रहे मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया अच्छा मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि जब जो मैंने आपको बताया कि पहले आकिब जावेद उसके बाद राशि लतीफ़ और अतामान इंग्लैंड टूर के बाद टीम से ड्रॉप हुए फिर मेरी बारी आई अब मैं ड्रॉप हो गया मैं अलाइट बैंक का मैच खेल रहा था पेट्रंस ट्रॉफ़ी का आ, हम, मुझे आज भी याद है हमारा पी के साथ मैच था फैसलाबाद में तो वहाँ पर अताउ रहमान मेरे पास आए मुझे आके उन्होंने बड़ा एक इनोसेंट क्वेश्चन किया मुझे कहते हैं कि आमिर भाई मुझे ये बताएं कि जितने भी लोगों ने जुआ लेने से इनकार किया है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा तो मैं उसकी तरफ़ देखा मैं क्यों पूछ रहे हो ये कहते जी पहले आके जब आए फिर मैं और राशिद अब आप बाहर हुए हैं ये हो क्या रहा है इस तरह तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वो तो बिल्कुल ही फारग हो जाएगी अगर अगर जो जो स्टैंड जो गलत चीज़ें नहीं करने वाले लोग वो टीम से बाहर होंगे और बाकी जो हैं वो उनको तो खुली छुट्टी मिल जाएगी इसका तो कुछ करना चाहिए तो मैंने अकिब को उसको आता को कहा मैं क्या यार तुम्हारी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन बड़ा मुश्किल काम है देखो सब्सटैशल एविडेंस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है उसको नहीं माना जाता जब तक आपके आपके पास कन्फेशन ना हो या आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो तब तक हम क्या कर सकते हैं यार अब बस आ, जो अल्लाह को मंजूर है चलते रहते हैं देखी जाएगी तो वो मुझे कहते हैं नहीं आमिर भाई इसका कुछ होना चाहिए मैंने कहा यार मैंने तुम्हें बताया है कि इसका क्या करें हम लोग और दूसरा यह है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुन्शल लोग होते हैं इनकी बैक के ऊपर बड़े तगड़े लोग होते हैं और ये जो है फ़ाइट ये बहुत ही सख्त किस्म की फ़ाइट है और इस 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 फाइट में जब तक हमारे हमारे पीछे कुतें नहीं होंगी और हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट नहीं होगा हम लोग इस फाइट को नहीं जीत सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि जी मैं खड़ा होता हूँ ये ये गलत बात है आ, कि ये ये आ, जो जितने भी स्टैंड लेने वाले लोग हैं उनको बारी बारी बार किया जा रहा है मैं इसके ऊपर स्टैंड लेता हूँ तो मैंने अता को कहा कि आप इसके ऊपर किस तरह स्टैंड लोगे तो अता ने कहा कि जी उन्नीस में ये हुआ मुझे कॉक्सन किया गया कि आप ये वाला काम करो तो उसकी मुझे पेमेंट भी हुई मेरा वो वाला दोस्त है आप भी उसको जानते हो उसने जाके पेमेंट ली मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये क्या कह रहा है तो मैंने मैंने अताको कहा मैं क्या यार आ, ये आप क्यों करना चाह रहे हो मैं क्या लोग ये सोचेंगे कि यार आप चूँकि टीम से बाहर हुआ है अब आप ये कहना चाहते कहते हैं नहीं देखो मैं टीम से बाहर हो गया हूँ लेकिन मुझे गुस्सा ये चढ़ रहा है पहले आके बाहर हुआ फिर बाहर हुआ राशि लतीफ़ Uh, मैं बार हुआ अब आप बार हो गए ये तो ये तो गलत चीज़ है इसके ऊपर तो स्टैंड लेना पड़ेगा सो so, मैंने उससे ये कहा कि अतः इसके ऊपर तुम जाके सोचो ये बड़ा मुश्किल काम है ये इतनी आसानी से जो है वो नहीं हो सकता सो so, आप जाके सोचो अगर आपने इसके ऊपर स्टैंड लेना है अपने आप से पूछो क्या प्रेशर बर्दाश्त कर लोगे मैंने कहा मैं तो प्रेशर बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन क्या आप बर्दाश्त कर सकोगे क्या आप स्टिक कर सकोगे इस चीज़ के ऊपर खैर वो सोचता रहा इसके ऊपर वापस आया उसने कहा जी मैं करूँगा मैं इसके ऊपर स्टैंड लेना है तब मैंने राशिद लतीफ़ क्योंकि हम लोग इकट्ठे अलाइट बैंक में खेलते थे मैंने राशिद लतीफ़ को बुलाया मैं क्या राशिद ये स्टोरी सुनो राशिद ने सारी स्टोरी सुनी उसका भी यही ख्याल था कि जरा ये इसमें तगड़ा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैंने कहा अता मुझे एक एक आधा दिन दो फिर मेरे कुछ लॉयर फ्रेंड्स थे मैंने उनको फ़ोन किया उन्होंने कहा कि यार आ, इसका एक ही तरीका है आ, अगर आप इससे खुद कुछ लिखवाओगे तो लोग कहेंगे कि पता नहीं इसको प्रेशर डाल के लिखवा लिया कि क्या किया इसका आसान तरीका यह है कि आप इनको मैजिस्ट्रेट के सामने भेजें वन सिक्सटी फोर का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ऑन ओथ वो करवाएं उसकी लीगल बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो मैंने अता को कहा कि ये करने के लिए तैयार हो उसने कहा जी मैं पाकिस्तान से ये गंद खत्म करने के लिए मैं इसके लिए तैयार हूँ ही वेंट टू अ मैजिस्ट्रेट उस दर जाके अताउरहमान ने अपना एफिडेविट साइन किया विच ही हैंडेड ओवर टू मी अब जब उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया साथ ही चूँकि मैंने आ, बड़ा शौक किया था उस मैच में उसके बाद पहले इनिंग्स में भी आ, स्कोर किया हुआ था तो मुझे कॉल आ गई दोबारा से कि यू आर सेलेक्टेड फॉर ऑस्ट्रेलियन टूर क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा डला हुआ इनके ऊपर कि जी आ, आपने किस तरह आमिर को बार कर दिया सो वेंट ऑन द टूर ऑस्ट्रेलिया का टूर उधर भी कुछ चीज़ें हुई आ, आ, जो मैं सेकेंड मैच में पहले मैच में मैन ऑफ द तो मैच था सेकेंड मैच में हमने बड़ा क्लोज मैच जीता हम लोग सारे टीम वाले शावर ले रहे थे तो एक दूफ, दूसरे के ऊपर बर्फ़ सारे फेंक रहे थे तो मैंने कहा यार ज़रा ध्यान करो ये आइस क्यूब फेंक रहे हो किसी का पाँव इसके ऊपर पड़ गया तो स्लिप हो जाएगा आयामी चोट ना लग जाए ये कहा लोग ले, लेकिन एक्साइटमेंट में सारे एक दूसरे को फेंक रहे थे तो मैं टावल बांध के बाहर निकलने लगा हूँ मेरा खुद अपना पाँव आया आइस क्यूब के ऊपर और मैं फिसला और ये मेरी सारी ये आईब्रा यहाँ से फट गई और एक फाउंटेन ऑफ ब्लड था अट्ठारह स्टिचेज़ लगे उसके बाद थोड़ा सा मैं टीम्स यू नो रेस्ट की वजह से मैचज़ नहीं खेल सका फिर पूरी तरह फिट नहीं था फिर आके मैचज़ खेलने शुरू कर दिए मेरी कुछ परफॉर्मेंसिस इतनी आ, कोई कंसिस्टेंट नहीं थी टू बी ऑनेस्ट तीन पचास किए मैंने वहाँ पर ज़रूर लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी प्रेशर था फिटनेस वो वाला लेवल नहीं था खैर जब मैं वहाँ से वापस आया तो जब मैं वापस आया तो जो चीज़ें हुई वो मैं आपसे अगले एपिसोड में मैं शेयर करूँगा जाते जाते मैं आपको एक 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 चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा नाम है सारे उनको जानते हैं आ, मैं भी उनको एज ए प्लेयर बहुत रिकॉर्ड करता हूँ उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो वन ऑफ मैनी इंडियन बैट्समैन है जिनकी बैटिंग जो है मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था गट्स प्लेयर थे इसमें कोई शक नहीं है और बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक्स के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो आजकल वो जो है वो कोई कॉमेडी शो है उसके ऊपर वो कोई कोट करते हैं जो मैं जो मैंने सुना उसके ऊपर मैंने इंडिया में भी इनको कन्फ्रंट किया था 2005 में मेरा ख्याल है किसी चैनल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी इन्होंने ये वाला जिक्र किया तो मैंने उन्हें कहा कि ये इस तरह नहीं था इस तरह था और आकिब जावेद भी यहाँ इंडिया में मौजूद हैं तो आप आएँ और तीनों बैठ के इसको जो है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं ले उसके बाद अभी लास्ट टाइम जब मैं एशिया कप में कमेंट्री कर रहा था तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन हुआ मैंने उसको क्लेरिफाई किया लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये वाला जो है वाक्य उसको डिफरेंट तरीके से कोट किया तो मैं समझता हूँ इसकी इसकी थोड़ी सी आ, क्लेरिफिकेशन इसकी भी होनी चाहिए तो वाक्य वो ये था कि मैं कैप्टनसी कर रहा था नाइन्टी मैं में में तो आई थिंक सिद्धू पाजी जो हैं है, 90s के करी नाइन्टीज़ में थे और और वो बैटिंग कर रहे थे तो uh, ओवर का uh, ओवर के दौरान वो मेरे पास आए और uh, मुझे आके ना बड़े गुस्से से कहते हैं कि आमिर पाजी ये ताड़ा जरा फास्ट बॉलर है इन्हों समझाओ गलत कर रहा है मैं क्या पाजी क्यों है तो, uh, कहते हैं कि यार मैंने भूआ दियाँ गाल रहा है वो मैं क्या भाजी छो पर इग्नोर करो तो पता फास्ट बॉलर रेंज करते ही नहीं 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 जो मर्जी का है, ए, पुआ दी गालियाँ तो न करनी चाहिए दिया। मैं क्या ठीक है मैं उसको ना यू नो इस गेंद के बाद उसको मैं समझाता हूँ आप फिक्र ना करो आप आप अप, अपना अपना खेलो ये वाक्य हुआ और वो इसके ऊपर पता नहीं क्या उन्होंने सोच के वो बातें कर रहे हैं तो हकीकत यही है अगर वहाँ पे गाली गलोच ये हुई होती और आपको पता है जो मैच रेफरी हैं और अम्पायर्स जो हैं वो कैप्टन्स के ऊपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपने कोड ऑफ़ कॉन्डक्ट जो है वो उसका पास ज़्यादा रखना है और अगर आप नहीं रखेंगे तो आप पीनलाइज़ होंगे तो मैं मैं ये क्लरिफाई कर दिया है और आपके साथ और भी जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के दौरान जो प्लेयर्स के साथ वाक़ हुए हैं वो भी शेयर करूँगा और पाजी वो भी वाक़ शेयर कर दूँ जब आप किसी फास्ट बॉलर को लेके मेरे और सईद अनवर के पास आके कुछ रिक्वेस्ट किया करते थे टोरंटो में भी नहीं करता चलो नहीं करता लेकिन आप लोगों को मैं बताता रहूँगा दिलचस्प चीज़ें आज के लिए इतना ही होपफुली आप इसको लाइक करेंगे और मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक दिन के गैप के बाद मैं आपको नई एपिसोड दिया करूँगा आप सब्सक्राइब करते रहें इसको लाइक करते रहें मुझे भी ये जो है थोड़ी सी अप्रिसशन मिलेगी तो और ज़्यादा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आपसे दोबारा इन शाह जल्दी मुलाकात होगी खुदा हाफिज़